तो अभी आ गए हैं हम लोग गाड़ी में और गाड़ी हटा रहे थे ना तो बाहर गवर्नमेंट स्कूल है हमारे घर के पास, तो ये बैठ रहा पीछे। हेलो गाइस, हेलो यूट्यूब फैमिली। तो अभी रात के बज चुके हैं 8 और आज वेंसडे था। तो ये देखो ये लड़की कैसे बाल खींच रही है अपनी बड़ी बहन के, इसको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, जप्पू नहा धो के हो चुका है रेडी स्कूल जाने के लिए। आप रेडी नहीं हुए? मैं रेडी हूँ बिल्कुल, और मैं रेडी हो चुका उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो आज है मेरी छुट्टी और आज RCT की थर्ड सेटिंग है। कल से पता नहीं दांत भी मेरे दुखने लग गए, कोई दवाई इन्होंने भरी हुई है, तो आज जाऊंगा ठीक करवाने के लिए। डॉक्टर को बोल दूंगा या तो निकाल दो या फिर ठीक कर दो, बहुत परेशान हो गया मैं, बहुत परेशान हो गया। सही बात है, वो एक बार के दर्द वो क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड याद ही नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे हरलीन भी मेरे साथ जाने लगी है नीचे। पहले छोड़ना है जप्पू को, उसके बाद जाना है फिर मैंने अपने किसी फैक्ट्री पे सोफे वाले के, मेरे सोफे की गद्दी इन्होंने लेट लेट के जो खराब कर दी है, मम्मी ने करी है, इतना वजन लेके घूम रही है। 100+50 वो सोफे की कारीगर लेके आऊंगा, सोफे की गद्दियां खोलेगा, फिर उसको उसकी वर्कशॉप में दोबारा देके आऊंगा, फिर 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा लेके आऊंगा, फिर उसको ठीक करूंगा। गद्दी लेके जाने है, सोफे लेके जाने है? सोफे तेरे पापा उतारेगा थल्ले, गद्दियां खोल के गद्दियां जानी है। फिर ये सोफा कितना गंदा लगेगा, लगता रहे बैठेंगे किस पे? मत बैठना। अच्छा 2 दिन वो वैसा गंदा सा ढांचा रहेगा। हाँ चलो ठीक है, जब जाने लगे टाइम हो गया। तो ये इस चक्कर में आई थी हलीन मेरे साथ कि मैं खाऊंगी बेदमी पूड़ी, तभी कह रहे थे मुझे साथ ले चलो, तो मैंने फिर गाड़ी निकाली साथ लाने के लिए। मैं चलो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, इस करके मैं बिल्कुल नहीं खा रहा, बिल्कुल दिल नहीं है मेरा। तो सुबह सुबह मैं वैसे नहीं खाता और वैसे मेरा दिल नहीं है। ये देखो जी सब्जी पेठे की, साथ में 5:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं। आपके मुंह में पानी आना चाहिए ना, आपका तो लंच हो रहा है, पर हमारा ब्रेकफास्ट तो देख लो आप। 5:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं, जब मुझे सिलेबस सुना सारा, मुझे भूख लगी। और डॉक्टर के पास जाने से पहले भी कुछ खा के जाना है। अच्छा, उसने भी बोल रहे थे डॉक्टर, क्योंकि उसके बाद 2-3 घंटे पता नहीं कुछ खाना नहीं, फिर कितने भूख लग जाए। पनीर का पराठा खा लेना। मैंने नहीं खाना परौंठे, परौंठे कुछ हल्का फुल्का देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो, तो अभी हम रेडी हो के, नॉट डुगू, मैं रेडी हुई हूँ नहा के, और डुगू ना नहाए हैं ना रेडी हुए हैं। जैसे सुबह जप्पू को स्कूल छोड़ने गए थे ना, वैसे के वैसे ही है डुगू। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास डुगू की RCT करवाने, और सोफा जो है हम लोगों का, वो डुगू ने पूरी सीट्स खुलवा के उसको वहाँ पे छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा डुगू? फैक्ट्री में छोड़ दिया उसको। अब सोफा आएगा 4-5 दिन के बाद सही होगी। पर हम लोग घर से आज जा रहे 12:30 बजे, उस दिन हम लोग 12:30 बजे फ्री हो गए थे, पर अभी हम 12:30 घर से जा रहे हैं, जाके देखते हैं कि क्या टाइमली फ्री हो पाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे जप्पू को भी स्कूल से लेना है। अगर भीड़ हुई तो फिर हम शाम को चलेंगे, है ना। तो अभी हम डॉक्टर से वापस आ चुके हैं। एक्चुअल में हुआ क्या ना, कल मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी, मैंने डॉक्टर को कॉल करी थी क्योंकि डुगू को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मेरी कल डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 2 दिन की वो जो मेडिसिन लिखी थी ना वो ले लो, पर डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला था कि आप उस पेन को ना, मतलब अगर पेन में रिलीफ मिल जाए उसके बाद आना, उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। तो मुझे यही लगा कि शायद मेडिसिन लेनी है, पर जाना तो कल ही RCT करवाने, ऐसा कुछ मेंशन मुझे डॉक्टर ने बताया नहीं था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। और मुझे ये बात भी डुगू को बतानी याद नहीं रही कि आप वो वाली मेडिसिन ले लो, डॉक्टर ने 2 दिन के लिए और बोलिया लेने के लिए, मेरे दिमाग से निकल गया। बिजी थी शाम को, रात को मुझे याद नहीं आया, थक गई थी तो दिमाग से निकल गया, हो जाता कभी कभी ना। तो अभी डॉक्टर ने बोला कि पहले आप 2 दिन वो मेडिसिन खाओ, थोड़ी पेन में रिलीफ मिल जाएगा, देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। तो डुगू लेने आए हैं मेडिसिन और मैं बाहर खड़ी आ गई डुगू, चेक कर रहे हैं डुगू। हेलो गाइस, लेनी मेडिसिन? गुस्सा हो आप? गुस्सा हो? क्यों? मैंने आपको बताया नहीं था, बता रहे टाइम वेस्ट किया तुमने, चक्कर में सारा काम हो गया।
तो अभी आ गए हैं हम लोग गाड़ी में और गाड़ी हटा रहे थे ना तो बाहर गवर्नमेंट स्कूल है हमारे घर के पास, उसके बाहर ना चौमिन वाले भैया खड़े थे। डुकू कहते लेना यार हरलीन लेना मुझे चौमिन खानी है। छोटे होते हम खाते थे स्कूलों के बाहर खड़े थे ना वो खाते थे, वो आज दिख गया ना मेरे को भैया मैं कह लीन चला लो क्योंकि इसका टेस्ट में और जो हम शॉप्स खाते हैं उनके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया एक नंबर चीज बनाते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है और काफी दिन से मेरा दिल भी करता है खाने का। अच्छी भी लग रही है सच में, बहुत टेस्टी है। टेस्टी होती है इनकी, ताजी बनाते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये तो अभी आए हैं जप्पू को लेने के लिए, हरलीन गई हुए लेने तो वो आ गया जप्पू, अभी लगे हुए दोनों बातें करने के लिए। तो ये बैठ रहा पीछे। हेलो गाइस, गाइस हेलो, फॉलो कर लो। क्या करा हुआ है, क्या करा हुआ है, सीटें फोल्ड करी हुई है, हमारा दिल था। एकदम से हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाते जाते एकदम से डुगू क्या बोलते हैं उन्हीं के मुंह से जवाब को सब्जी दिखी थी। बोलो पूरी बात। मैं ये कह रहा था मेरा ना एक रिश्ता आया था सब्जी वालों के घर से, उनका सब्जियों का काम था कच्ची सब्जी, तो अगर मैं कच्ची सब्जी वालों के घर शादी हो जाती ना तो मेरे को सब्जी तो फ्री में मिल जाती थी। महंगी सब्जियां हो गई है 50-60 रुपए किलो, प्याज हो गया, टमाटर 50 रुपए हो गया, बहुत महंगी सब्जी हो गई है। मतलब बंदा क्या सोच के कहाँ पे सोच लेके जाता अपनी सब्जी वालों के घर से। आपने मुझे तो आज तक नहीं बताया कि सब्जी वाले के घर से। तुमने कभी मेरा बैकग्राउंड पूछा, तुमने कभी मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट लिया तुमने? मैंने यहाँ से कितनी बार पूछा, आपने मेरे को बोला जब मैं बुढ़ापे में जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा हरलीन। तुमने मुझे क्या पूछा था, तुमने मुझसे क्या पूछा था कि पास्ट में मेरे अलावा और कोई था? हाँ, वो मैंने कहा था मैं तुम्हें बुढ़ापे में, उसके अलावा तुमने कभी मेरे से पूछा, कभी 10 मिनट बैठ के तुमने मेरे से बातें करी है? गुर में हर जा रहा है। अब बात मत चेंज करो, कभी तुमने 10 मिनट बैठ के मेरे से सुख दुख किया? नहीं, मैंने कोई सुख दुख नहीं करती आपसे, जो सुख दुख करता है ना आपके साथ आप उनके साथ किया करो। चलो ठीक है, तो अब टाइम है लंच टाइम, टेबल हिलाई जा रही है। हेलो गाइस, सैलेड खा लो। हेलो जप्पू, अरे अब तेरी ट्यूशन है तो मेरे को गेम चला दियो मोबाइल, उसमें टीवी में मैं गेम खेलूंगा। वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देना। मैं मारियो को नहीं लगा रहा था उसके अंदर, हेलो यूट्यूब फैमिली। तो अभी रात के बज चुके हैं 8 और आज वेंसडे था पर फिर भी मैंने क्लास ली थी क्योंकि पेपर चल रहे हैं बच्चों के तो छुट्टी पॉसिबल नहीं है। उस दिन मैंने संडे की भी छुट्टी कर दी थी, मंडे को पेपर था पर मैं तैयारी करवा के गई थी। तो अभी 8 बज गए हैं और मेरी एंट्री है किचन में, ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, उसके बाद आधा घंटा मैंने रेस्ट भी करा, देन अभी मैं आई हूँ किचन में और देखो दो दो कुकर पड़े हैं। वो जो पीछे वाला बड़े वाला कुकर है ना उसके अंदर तो मैंने मॉर्निंग के लिए भिगोए हैं राजमा, बाद में आना भाई उसके अंदर मैंने मॉर्निंग के लिए भिगोए हैं राजमा। इस वाले कुकर के अंदर मैं बनाऊंगी दाल वाले राइस। डुगू कहते हैं हरलीन दाल वाले राइस बनाओ, मेरा मन है खाने का। तो यहाँ पर मैंने रखी है दाल बॉयल करने के लिए, चने की दाल। और यहाँ पर सबसे पहला काम किया मैंने, राइस अच्छे से धो के राइस भिगो दिए हैं। थोड़ी देर राइस भीग जाते हैं ना तो थोड़े यम्मी और टेस्टी भी, मतलब यम्मी भी बनता है, थोड़े लंबे लंबे भी बन जाते हैं और थोड़े बढ़ते भी हैं राइस भिगोने से ना, मम्मी बोलते भिगोने से राइस बढ़ते भी हैं। तो अभी मैं इसके लिए कट करती हूँ मसाला राइस बनाने, और मुझे सब्जी भी लेने जाना नीचे, अगर डुगू का मन हुआ तो उतर जाएंगे क्योंकि मैं बड़ी देर से डुगू को बोल रही हूँ कि उठ लो चल लो सब्जी ले आते हैं, डुगू मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं दोबारा डुगू को बोलने भी नहीं वाली हूँ, दिल करेगा तो उठ के मेरे साथ नीचे चल लेंगे, नहीं करे तो लेटर है, मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी सब्जी काट रही है लेकिन प्याज वगैरह, और मेरे को आवाज एक मेरे बारे में कुछ खा जा रहा था, क्या बोल रही थी तुम? कुछ नहीं बोल रही। क्या बोल रही थी ये पूछा मैंने। मैं बैठ रहा, मैंने आपको कितनी बार कहा ना उठ के चलो सब्जी लेने। सब्जी में मैंने तुम्हें मना किया 7 बजे सवेरे सब्जी लग जाएगी। 7 बजे सब्जी लगी, 9 बजने वाले हैं डुकू। हाँ तो चल लेते अभी, कौन सी आफत, मैंने गाड़ी भी हटानी, मुझे पता है सब। अपने काम करने उतरोगे अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, ड्रामे मत किया करो। और कुछ सब्जी काटो यहाँ पे फटाफट, बढ़िया से काटना, कमी कोई नहीं रहनी चाहिए। तो अभी आ चुके हैं घर पे, टाइम हो चुका है 11:15 और सुबह से कल से शोर मचा के सब्जियां लेनी है, सब्जियां लेनी है, सब्जियां लेनी है। एक सब्जी नहीं आई, सिर्फ एक आया है घिया। टमाटर
और टमाटर बस, हरी मिर्च, कोई सब्जी नहीं आई घर पे। रोला सुबह से इतना मचा रखा, पता कितनी सब्जियां उठा के ले लेनी है जैसे कि। तो पूछते हैं अरलीन से, तो ये देख लो राइस हम बना के गए थे अरलीन घर पे खा रहे, कहीं आप ये मत सुनो बाहर से खा के आए रोटी। सब्जी क्यों नहीं लेके आई अरलीन? बड़े सरगुण संपन्न है, राइस देखो वो डालो। हाँ थोड़ा सा डालना बस, देसी घी डाल देना इस पे क्योंकि कमजोरी बहुत आ रही है आजकल, ज्यादा है ये बहुत ज्यादा है। सब्जी क्यों नहीं ली तुमने? सब्जी में कुछ समझ नहीं आ रही थी, प्याज भी गीले गीले थे। सब्जियों को जब टाइम था ना उस टाइम तो हमने सब्जियां ली नहीं थी, पालक पुलक सब कुछ बड़ी दिशा में जाता है, सब खत्म होता है रात को, तो मैं टाइम सर लेके गया था मैं। तो आजकल काजू भी बहुत ड्रामेबाजी करने लगी, जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसकी शरारतें भी बढ़ी जा रही है, और शक्ल से भी ना इतनी तेज, जैसे वो होते नहीं है बहुत शरारती वाले बच्चे, वैसे हरकतें करने लगी है वो। पहले आप ये वीडियो देखो, तो ये देखो ये लड़की कैसे बाल खींच रही है अपनी बड़ी बहन के। इसको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं है ना कोई इसको चीज़, देखो चीज़। तो ये वीडियो अभी आपने देखी काजू की, इतनी तेज हो गई है बेचारी की, गुत्ते खींच रही है उसकी मीत की। मुझे पता थोड़े टाइम पर जैसे ही मीत और बड़ी हो जाएगी तो मीत की पूरे गुत्ते पकड़ के खींच देगी, और राजमा चावल को तो प्लेट को ऐसे फट रही है जैसे फिर राजमा चावल खा ही लेगी ये। अब हम कुछ भी खाते पीते हैं ना, ये हमसे वो चीज़ मांगती है कि यार मुझे दे दो, उसको ये पता लग गया ये कुछ खा रहे हैं तो मतलब खाने की चीज़ है। पेप्सी देख लेगी तो वो मांगना शुरू कर देगी, पानी पी लो उसको ये नहीं पता पानी है, पानी हम पीते पानी मांगेगी, कुछ खाने के लिए तो वो मांगेगी। जैसे जैसे बड़ी हो जाए बहुत शरारतन हो चुकी है भाई वो तो, और जपनूर ब्लॉग्स की तो देखो खड़े खड़े खाने लग गया। मैं जाऊंगा ऊपर खाने तो ये यहीं खाने लग गया, लेकिन बाउल में डाल लेते इससे बढ़िया, किसी को और लेने पड़ गए फिर नहीं। मैं अब ऊपर कपड़े कपड़े चेंज कर, मैं थक चुका हूँ सुबह से, ठीक है चलो। तो मैंने जैसे बोला ना कपड़े चेंज कर दिए, जप्पू क्या बोलता, जप्पू बोलियो कहाँ छुट्टी थी, और ये देखो निक्कर भी मैं घूम रहा हूँ सुबह से, ये शीशे में पापा का नेशनल ना नहाने का डे है वेंजडे, लेकिन कई बार कहीं जाना तो फिर मैं नहाता हूँ। पापा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ना नहाने का। वेंजडे वाले दिन मैं वेंजडे वाले दिन बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल नहाना पसंद नहीं वेंजडे वाले दिन। हाँ अगर कहीं जाना हो फिर मैं नहाता हूँ, जब कहीं जाने तो क्या पानी वेस्ट करना है, तो मैं जैसे बोलता ना कि सेव वाटर सेव नहाना, मैंने जैसे बोला मैं ऊपर एक कपड़े चेंज करके फिर खाऊंगा। जब वो कहता सुबह से तो यही कपड़े पहन के घूम, ये रोज कपड़े पहनते, कपड़े कौन से चेंज कर रहे हैं आपने। चलो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज के ब्लॉग बस यहीं तक था। होप सो आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, जितना भी थोड़ा बहुत आजकल ब्लॉग बन रहा है, बन नहीं पा रहा ब्लॉग क्योंकि अरलीन बहुत बिजी चल रही है, सारा दिन ट्यूशन पढ़ा, आज भी इसने ट्यूशन पढ़ाई है, इस चक्कर में कहीं घूमने वूमने नहीं गए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई